दोस्तों, इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं एंड्रॉइड मोबाइल की एक और खास ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यहां पे देखा होगा कि एक छोटा सा आदमी बना होता है। तो आदमी में इस पर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, जैसे कि आप अगर कोई आर्टिकल है, आर्टिकल को अगर आप सुनना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इसको इसकी मदद से कैसे सुन सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि इसको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे यूज़ करना है और कैसे अपने स्क्रीन पे लेके आना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको तो अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट असिस्टेंट, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन हो वहाँ पे आपको चले जाना है। तो मेरे में स्मार्ट में है तो यहाँ पे मैं चला गया। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल गया। यहाँ पे आपको देखना है सिलेक्ट टू स्पीक, ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट टू स्पीक ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई देगा, आपको इसको अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पे चाहे तो आप मोर की सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे रेड इन टू बैक और रेड टेक्स्ट ऑन इमेज के ऑप्शन पे भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल है बैक चले जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, नीचे देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कोई एक आर्टिकल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आर्टिकल यहाँ पे लिख के आ रहा है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से आपको इसे सिलेक्ट कर देना होगा, ठीक है। जितना आप उसको सुनना चाहते हैं उतना आपको इस तरह सेलेक्ट कर देना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हो सकता है पास वॉइस ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पढ़ के और सुन के आप पढ़ेगा और आपको सुनाई देगा। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप सुन सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। तो वीडियो कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक अकाउंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।